मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। टीवी के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने दोस्त और सहकर्मी सुनील ग्रोवर से हुए झगड़े के बाद से करियर में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ अधिकतर कोई ना कोई हादसा हो रहा है। सुनील ग्रोवर की कपिल का साथ छोड़ने के बाद कॉमेडी नाइट शो का TRP गिरने लगा और मेकर्स को उसे बंद करना पड़ा। इसके बाद कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि कपिल अब दोबारा टीवी पर आने की तैयारी कर रहे हैं। कपिल अपनी इमेज को इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच एक कार्यक्रम को अटेंड करने कपिल दिल्ली पहुंचे थे और यहां भी उनके साथ एक हादसा हो गया। हाल ही में कपिल दिल्ली में आयोजित सशस्त्र सीमा बल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में कपिल शर्मा को पहुंचने में देरी हो गई तो उन्होंने मंच पर पहुंचकर सबसे माफी मांगी। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम में देरी से पहुंचने के लिए फ्लाईओवर को जिम्मेदार बताया। कपिल ने कहा कि मैं जब भी दिल्ली आता हूँ कोई ना कोई फ्लाईओवर मिल ही जाता है और मैं भटक जाता हूँ। आपको बता दें कि कपिल शर्मा कार्यक्रमों में देरी से पहुंचने के लिए जाने जाते हैं। इसके चलते कई बार उनके शो पर आने वाले बड़े कलाकारों को इंतजार करना पड़ा और कई लोगों को तो बिना शूट के ही वापस जाना पड़ा है। गौरतलब है कि कपिल जल्द ही एक बार फिर सोनी टीवी पर वापसी करने जा रहे हैं। कपिल शर्मा के नए शो का टीजर वीडियो हाल ही में रिलीज किया गया है। हालांकि कपिल के शो का नाम अब तक सामने नहीं आया है। कपिल इस टीजर वीडियो में एक ऑटो वाले के साथ फिरकी लेते नजर आ रहे हैं। कपिल के फैंस इस शो का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।